Hello students, now we will discuss about the menstruation cycle. So first question is, what is menstruation? Basically, menstruation is the bleeding from the uterus of woman at the interval of one lunar month. तो वन मंथ जिसका जनरल टाइम पीरियड 28 डेज होता है, तो उसके इंटरवल पे 28 डेज के इंटरवल पे फीमेल के यूट्रस में जो ब्लीडिंग हो रही है उसको मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन किन किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है? तो मेंस्ट्रुएशन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन, एप्स एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो अब डाउट में मत रहना कि जो मेंस्ट्रुएशन है वो ह्यूमन फीमेल में ही प्रेजेंट होता है, बल्कि ह्यूमन फीमेल के अलावा एप्स के अंदर और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज के अंदर भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। तो हम अगर ह्यूमन फीमेल की बात करें, तो ह्यूमन फीमेल के अंदर 28 और 29 डेज के इंटरवल पे मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है। क्या होता है? मेंस्ट्रुएशनल फ्लो होता है, और इस मेंस्ट्रुएशनल फ्लो के बीच का जो इंटरवल है, जो ड्यूरेशन है इन दो मेंस्ट्रुएशनल फ्लो के बीच का, उसको बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्लियर? 28 और 29 डे पे मेंस्ट्रुएशन होता है। क्लियर? सो दो सक्सेसिव मेंस्ट्रुएशन के बीच का जो इंटरवल है उसको क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुएशनल साइकिल। तो मेंस्ट्रुएशन के अंदर यूट्राइन से ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट होंगे? तो यूट्राइन वॉल सिक्रीशंस, यूट्राइन वॉल की सिक्रीशंस प्रेजेंट होंगे। यूट्राइन वॉल के अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, तो उनमें जो ब्लड है उसका भी सिक्रीशन होगा। और इसके अलावा अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी इन मेंस्ट्रुएशन फ्लो के अंदर प्रेजेंट होगा। क्लियर? सो ह्यूमन फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, इसके 14th डे के ऊपर ओवरी से एक ओवम रिलीज किया जाता है। क्या रिलीज किया जाता है? ओवरी से एक ओवम रिलीज किया जाता है। क्योंकि फीमेल के अंदर दो ओवरीज प्रेजेंट होती है, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों ओवरी एक साथ ही एग रिलीज कर देगी। तो ये जो एग रिलीज करने का प्रोसेस है, ये दोनों ओवरी के द्वारा किया जाता है। लेकिन हर एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो ओवुलेशन होगा वो अल्टरनेट ओवरी के द्वारा किया जाएगा। मतलब ये कि अब एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल में फर्स्ट ओवरी ने ओवुलेशन किया, तो नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल में सेकंड ओवरी अपना ओवुलेशन देंगी। क्लियर? ओके। तो अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट कब हो रही है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स के अंदर कब स्टार्ट हो रही है, बेसिकली ह्यूमन फीमेल्स में प्यूबर्टी के टाइम 12 to 15 ईयर्स के टाइम पे मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल में स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है फीमेल में स्टार्ट हो रही है, और फर्स्ट जो मेंसेस होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है, जो फर्स्ट ब्लीडिंग होती है फीमेल के अंदर, या फिर जो बिगनिंग ऑफ ब्लीडिंग जिसको हम बोल सकते हैं, तो जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन है उसको क्या बोलते हैं? मिनार्की। क्या बोलते हैं? मिनार्की। ओके, सो फर्स्ट ब्लीडिंग इज कॉल्ड एज मिनार्की। और जैसे ही फीमेल के अंदर 45 टू 50 की एज अटेन होती है, तो फीमेल के अंदर ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, ये जो मेंस्ट्रुएशन फ्लो होता है या फिर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो स्टॉप हो जाती है। तो फीमेल्स के अंदर ये मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होने की प्रोसेस को बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज बोलते हैं। क्लियर? नाउ अगर हम डिफरेंट फेजेस की बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, तो बेसिकली मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चार फेजेस प्रेजेंट होती है। अगर देखिए इस डायग्राम को, तो इस डायग्राम में मैं पहले आपको ये डायग्राम क्लियर कर देता हूं कि कौन कौन से पार्ट
कहां कहां पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे नीचे इस रो में ये जो मेंशन कर रखा है, ये डिफरेंट डिफरेंट फेजेस यहां पर मेंशन कर रखी है। फिर इसके बाद जो ये नेक्स्ट रो है, जो ये नेक्स्ट रो है, इसके अंदर जो एंडोमेट्रियम होती है, यूट्राइन बोल की जो इनर मोस्ट लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको यहां पर दिखा रखा है और उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं उनको भी यहां पर एक्सप्लेन कर रखा है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट रो है, इसके अंदर जो ओवेरियन हॉर्मोन्स है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनका डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कितना लेवल होता है उसको मेंशन कर रखा है। फिर नेक्स्ट जो रो है उसके अंदर ओवेरियन इवेंट्स दिखा रखे हैं कि ओवेरी के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कैसे ये जो ओवम है वो अपना डेवलपमेंट करता है। तो इसके बाद का जो लास्ट यहाँ पर रो प्रेजेंट है, इसके अंदर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, कौन से, LH और FSH का लेवल को मेंशन कर रखा है। तो अगर हम बात करें मेंस्ट्रुएशन साइकिल की, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बेसिकली फोर फेजेस प्रेजेंट होते हैं। सो जो फर्स्ट और सबसे पहली जो फेज है वो कौन सी है, मेंस्ट्रुअल फेज, कौन सी है, मेंस्ट्रुअल फेज, और इस फेज को ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं, मेंसेस भी बोलते हैं, क्लियर। और जो नेक्स्ट फेज है वो फोलिकुलर फेज है, और इसके बाद जो फेज आती है वो कौन सी है, ओव्यूलेटरी फेज, कौन सी फेज होती है, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज। सो थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज एंड द लास्ट फेज इज ल्यूटियल फेज, कौन सी होगी, ल्यूटियल फेज होगी, क्लियर। नाउ तो अब हम इन सारी फेजेस को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करते हैं। सो अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें, कौन सी है, मेंस्ट्रुअल फेज, फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। जब हम डिफरेंट डिफरेंट फेजेस को स्टडी करेंगे यहां पर, तो सबसे पहले उनका टाइम पीरियड देखेंगे कि उनकी ड्यूरेशन कौन सी होती है। 28 डेज की जनरली फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, 29 डेज की भी हो सकती है। तो 28 डेज में से कितने दिन तक कौन सी साइकिल या कौन सी फेज अटेंड रहती है उनको हम पहले मेंशन करेंगे। तो सबसे पहला जो फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, इसकी देखें टाइम पीरियड देखें तो जो फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक का, फिफ्थ डे तक जो फेज प्रेजेंट होती है फीमेल में, उसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज। तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक का जो फेज है उसको मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, और इस मेंस्ट्रुअल फेज में लगभग 3 to 5 days, कितना, 3 to 5 days तक फीमेल के अंदर क्या होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होती है, क्या होती है, मेंस्ट्रुएशन होती है, मतलब ब्लीडिंग होती है, क्लियर, ओके। अगर हम देखें यहां पर तो इस फेज के अंदर LH हार्मोन, कौन सा हार्मोन, LH हार्मोन, LH इज द ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन विच इज सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। LH हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, क्या हो जाता है, LH हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो इस LH हार्मोन के लेवल डिक्रीज होने की वजह से, इस LH हार्मोन के लेवल डिक्रीज होने की वजह से जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है, जो यहां पर ये कॉर्पस ल्यूटियम है वो डिजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही इसका लेवल डिक्रीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट्स टू डिजनरेट, स्टार्ट्स
starts to degenerate. चूंकि जो ये corpus luteum है वो कौन सा hormone secrete करती है? Progesterone. कौन सा hormone secretion कर रही है? Progesterone. तो जैसे ही LH का लेवल डिक्रीज हुआ, कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है. तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट होना स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. तो बेसिकली अगर हम इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन देखें, इस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का फंक्शन देखें, तो ये क्या करता है? एंडोमेट्रियम का मेंटेन करता है. क्या करता है? एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है. क्लियर? तो जैसे एलएच हार्मोन डिक्रीज हुआ, ये जो कॉर्पस लूटियम यहां पर बनता है आफ्टर ओव्यूलेशन, जो ओव्यूलेशन के बाद जो ग्राफीन फोलिकल्स होती है एलएच हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाती है. तो एलएच का लेवल जैसे ही कम हुआ, एलएच हार्मोन का लेवल जैसे ही कम हुआ इस फेज पॉइंट के ऊपर, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाती है और फाइनल कॉर्पस एल्बिकन्स का फॉर्मेशन करती है. चूंकि ये कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करती है, तो जैसे ही इसका डीजनरेशन हो जाएगा, तो इस कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज हो रहा था वो भी कम हो जाएगा. तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हुआ, तो जो ये एंडोमेट्रियम है इसकी थिकनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी और इसके अंदर क्या होगा, ये जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी. क्या होगी? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी. क्लियर है पॉइंट? अब देखोगे आप जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28th डे के बाद स्टार्ट हो रहा है. मतलब 28th डे तक ये ल्यूटियल फेज था और इस डे के बाद जो फर्स्ट डे होगा, यहां से ही फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है. तो जो ये फर्स्ट डे है यहां से मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो रहा है. तो अगर आप एक चीज नोटिस करो यहां, तो ये जो एक साइकिल है यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां पर एंड हो रहा है. लेकिन जो ब्लीडिंग हो रही है, ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये किस में हो रही है? प्रीवियस साइकिल के एंडोमेट्रियम के अंदर हो रही है. जो प्रीवियस साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम बनी थी वो ब्रेक हो रही है. तो एक साइकिल के अंदर जो एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी वो प्रीवियस साइकिल की एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी. क्लियर? तो जैसे ही एंडोमेट्रियम ब्रेक होगी, तो इसके अंदर जो ये ग्लैंड्स है, यहां पर देखो ये ग्लैंड्स प्रेजेंट है, यूट्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं इनको. इन ग्लैंड्स का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, ये रिलीज हो जाएंगे और जो यहां पर ये जो ये दिख रही है आपको ट्री लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल्स से ब्लड भी रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. तो जो मेंस्ट्रुएशन होगा फीमेल के अंदर, तो मेंसेस मेंस्ट्रुएशनल फ्लो बॉडी से बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. क्या हो जाएगा? बॉडी से बाहर रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा. और इस मेंस्ट्रुएशन फ्लो के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे? सेल्स ऑफ सिक्रीशन ऑफ यूट्राइन वॉल, इस एंडोमेट्रियम की सिक्रीशन की जो सेल्स है वो प्रेजेंट होंगी, ब्लड प्रेजेंट होगा. इसके अलावा जो यहां पर सेकेंडरी ऊसाइट जो रिलीज हुआ था, जो सेकेंडरी ऊसाइट रिलीज हुआ था वो अनफर्टिलाइज्ड कंडीशन में इस बॉडी से बाहर रिलीज हो जाएगा. ठीक है? इसके अलावा एक चीज और याद रखना, जो ये मैच्युरेशन होता है फीमेल में, जो ये मैच्युरेशन होता है फीमेल में, इसके लिए एक कंडीशन है. क्या कंडीशन इसके लिए? कि यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए. क्या नहीं होना चाहिए? फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए. क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये जो कॉर्पस ल्यूटियम यहां पर बना था वो डीजनरेट नहीं होगा. अगर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग क्या होगी? मेंटेन होके रहेगी. तो जो प्रेगनेंसी के लिए एक इंडिकेशन क्या है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल फेज. तो एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशनल फेज इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी. क्लियर? इस मेंस्ट्रुएशनल फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आती है वो कौन सी है? फोलिकुलर फेज होती है. कौन सी है? फोलिकुलर फेज. तो इसका जो टाइम पीरियड है फोलिकुलर फेज का, इस डायग्राम में देखो,
इस डायग्राम में जो डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है उनके टाइम पीरियड को मेंशन कर रखा है। तो फर्स्ट टू फिफ्थ डे तक कौन सी फेज होगा? मेंस्ट्रुएशनल फेज होगा। फिर सिक्स्थ से लेके ट्वेल्थ और फिफ्टींथ, थर्टींथ और फोर्टींथ डे तक प्रोलिफरेटिव फेज होगा। फिर फोर्टींथ डे के ऊपर जो ओवरी है उससे ओवुलेशन होगा। और फिर 15th डे से लेके 28th डे तक कौन सा फेज होगा? ये ल्यूटियल फेज होगा। तो सेकंड फेज जो मेंस्ट्रुएशनल फेज के बाद आता है वो कौन सा है? फॉलिकुलर फेज। फॉलिकुलर फेज, इसको हम फॉलिकुलर फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो ये फॉलिकल्स है उनका डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। कौन सी फेज बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव। प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको प्रोलिफरेटिव फेज? अभी मैं इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो जनरली टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो फेज है वो सिक्स्थ डे से लेके 13th और 14th डे तक रहती है। जनरली सिक्स्थ डे से लेके 13th डे तक ये फेज रहती है। इस फेज के अंदर जो FSH हार्मोन है, FSH हार्मोन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन जो कि एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट किया जाता है, वो इन डेवलपिंग फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा। तो इन डेवलपिंग फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट करेगा और इन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट कराएगा। इसके अलावा ये जो FSH है, FSH क्या करेगा? इन डेवलपिंग फॉलिकल्स की सेल से, इन डेवलपिंग फॉलिकल की सेल से एस्ट्रोजन का रिलीज इंक्रीज कर देगा। एस्ट्रोजन का रिलीज इंक्रीज कर देगा। तो जैसे ही एस्ट्रोजन का रिलीज हुआ तो ये एस्ट्रोजन इस एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर जाके एक्ट करेगा। क्या करेगा? एंडोमेट्रियम वॉल के ऊपर जाके एक्ट करेगा और इसकी थिकनिंग को इंक्रीज करेगा। थिकनिंग को इंक्रीज करेगा। इसकी थिकनिंग को इंक्रीज करेगा। अब इसकी थिकनिंग कैसे इंक्रीज होगी? जैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन इस यूट्राइन वॉल दैट इज एंडोमेट्रियम के ऊपर जाके एक्ट करेगा तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन इन यूट्राइन वॉल की सेल्स के अंदर क्या कर देगा? डिवीजन को इंक्रीज कर देगा। तो सेल के अंदर मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, सेल मल्टीप्लाई। तो जैसे सेल मल्टीप्लाई होगी तो यहां पर एंडोमेट्रियम क्या होगी? प्रोलिफरेट होगी, मतलब इसका साइज जो है वो बढ़ेगा। तो जैसे ही ये एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट हुआ तो इसी के बेसिस पे इस फेज को प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। फिर इसके बाद, चलो इससे पहले एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि इसको, इस एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब ओवुलेशन होगा उसके बाद स्पर्म इस ओसाइट के साथ फ्यूज करके ओवम का फॉर्मेशन करेगा तो फाइनली ओवम से क्या बनेगा? जायगोट का फॉर्मेशन होगा। तो जायगोट क्या है? इम्प्लांट होता है। कहां पर? यूट्रस में। यूट्रस में भी कहां? इस एंडोमेट्रियम के अंदर। तो इस फर्टिलाइजेशन से पहले ये जो एंडोमेट्रियम है अपने आप को प्रिपेयर करती है। क्या करती है? अपने आप को प्रिपेयर करती है ताकि ये इस जायगोट का इम्प्लांटेशन यहां पर इजीली करा सके। इसीलिए ये जो एंडोमेट्रियम है अपने आप को प्रोलिफरेट करती है, अपने साइज को इंक्रीज करती है। साइज को इंक्रीज करेगी तो इसके अंदर जो ये ग्लैंड्स है, अब देखो यहां से इनका साइज होना, इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ और यहां तक ये इंक्रीज होता है। तो जैसे इसका साइज इंक्रीज हुआ तो इसके अंदर जो ये ग्लैंड्स है, ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स है, ये भी इंक्रीज हो जाएंगी। साथ साथ ब्लड सप्लाई के लिए जो ये कैपिलरी प्रेजेंट है उनका भी नंबर और साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा।
तो जैसे ही ब्लड सप्लाई इंक्रीज होगी तो जो जायगोट बनेगा उसको नरिशमेंट चाहिए होगा, तो नरिशमेंट वगैरह सब चीजें इजीली उसको प्रोवाइड हो जाएगी। तो इसी रीजन से ये जो एंडोमेट्रियम है ये अपने आप को प्रोलिफरेट करती है। क्लियर। अब इस फॉलिकुलर फेज के बाद, फॉलिकुलर फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आती है वो कौन सी है? ओव्यूलेटरी फेज। कौन सी फेज है? ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज। अब इस ओव्यूलेटरी फेज को हम ऐसा नाम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इस फेज पे जनरली 14th डे के ऊपर हो रही है, 14th डे पे फॉलिकुलर फेज होती है और इस फेज में ओव्यूलेशन होता है। क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो अगर आप इस डायग्राम को देखें, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बताने जा रहा हूं। इस डायग्राम में देखोगे तो 14th डे के ऊपर यहां पर जो ये हार्मोन मेंशन करके रेड कलर से LH और ग्रीन कलर से FSH दोनों का लेवल बहुत ही हाई हो जाता है, मतलब ये अपने मैक्सिमम पीक को इसी डे पे अटेन करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम सिक्रीशन उनका इसी डे के ऊपर होगा, 14th डे के ऊपर होगा। तो जैसे ही 14th डे पे LH का लेवल इंक्रीज होगा तो ये LH इस मैच्योर ग्राफिन फोलिकल से, ये जो LH हार्मोन रिलीज हुआ है वो इस मैच्योर ग्राफिन फोलिकल से क्या करा देगी? सेकेंडरी ओसाइट को रिलीज करा देगी। तो ये सेकेंडरी ओसाइट रिलीज करने की जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या था? LH एंड FSH attain their peak level, Clear? इसके अलावा एक चीज और नोट करना कि इसी 14th डे के ऊपर जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इसका लेवल भी मैक्सिमम होता है। तो एस्ट्रोजन लेवल भी अपना पीक जो है वो कब अटेन करता है? 14th डे के ऊपर ही अटेन करता है। ठीक है, अब इसके बाद ओवुलेशन के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाएगा। कहां पर रिलीज हो जाएगा? फेलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाएगा। और रिलीज होने के बाद वो वेट करता है कि कब स्पर्म आए और उसके साथ फर्टिलाइज हो। क्या करें? कब स्पर्म आए और उसके साथ फर्टिलाइजेशन करें। फिर ओवुलेशन फेज के बाद जो नेक्स्ट फेज आती है उसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज। क्या बोलते हैं? ल्यूटियल फेज या फिर सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये जो फेज है वो किसमें हो रही है? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर हो रही है। मेनली कॉर्पस ल्यूटियम का रोल होता है इस फेज पे, इसलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं। और सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं इसके बारे में मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, सो द नेक्स्ट फेज इज ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। ल्यूटियल फेज और सिक्रेटरी फेज। अब देखो आप जो 14th डे के ऊपर LH और FSH का लेवल बहुत हाई था और LH जो है वो ओव्यूलेशन कॉज कराता है। LH causes ovulation। तो 14th डे के ऊपर LH ने ओव्यूलेशन कॉज करा दिया, 15th डे के ऊपर भी इसका लेवल जो है वो थोड़ा हाई रहेगा। यहां पर देखो ये 15th डे के ऊपर भी इसका लेवल हाई है। तो जो यहां पर ग्राफियन फोलिकल था, वो रप्चर होगा और उसके अंदर से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा। रप्चर होने के बाद कुछ सेल्स जहां से ये ओव्यूलेशन हुआ है, जहां से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ है, वो सेल तो डैमेज हो जाएगी, लेकिन जो रिमेनिंग सेल्स है जो इस मैच्योर ग्राफिन फोलिकल या रप्चर ग्राफिन फोलिकल की रिमेनिंग सेल्स है उनके ऊपर LH हार्मोन एक्ट करेगा। कौन सा हार्मोन एक्ट करेगा? LH हार्मोन एक्ट करेगा। और ये LH हार्मोन इन रिमेनिंग सेल्स ऑफ रप्चर ग्राफिन फोलिकल को किसमें कन्वर्ट कर देगा? कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट कर देगा? ग्राफियन फोलिकल सेल्स convert into corpus luteum।
क्लियर। तो जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा तो कॉर्पस ल्यूटियम से क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन स्टार्ट होगा। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ये काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है? इसके मेनली दो फंक्शन होते हैं। फर्स्ट फंक्शन क्या है, ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, यहां पर जो यूट्राइन ग्लैंड्स है, ये जो यूट्राइन ग्लैंड्स है, इनके अंदर से वॉटरी म्यूकस का इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, इनका सिक्रीशन बढ़ा देगा। इसके अलावा इसी टाइम पे वॉटरी म्यूकस को कौन और पार्ट सिक्रेट करते हैं, एक तो फेलोपियन ट्यूब और एक वेजाइनल ग्लैंड्स। तो मेनली प्रोजेस्टेरोन इस एंडोमेट्रियम की यूट्राइन ग्लैंड्स से वॉटरी म्यूकस का सिक्रीशन इंक्रीज कर देगा। इसके अलावा जो ये वॉटरी म्यूकस है, फेलोपियन ट्यूब से भी इंक्रीज होता है और वेजाइनल ग्लैंड से भी सिक्रीट होता है, ठीक है। तो ओवरऑल जो ये वॉटरी म्यूकस है, इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो ये वॉटरी म्यूकस का फंक्शन क्या है, जो यहां पर ऊसाइट बना, यहां पर जो ऊसाइट बना, ये एग स्पर्म के साथ फ्यूज करके किसका फॉर्मेशन करेगा, जायगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पर जो ये वॉटरी म्यूकस है इस जायगोट के डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा जो सेकेंड फंक्शन होता है, किसका, प्रोजेस्टेरोन का, वो क्या है, इट मेंटेन्स थिकनिंग ऑफ दिस एंडोमेट्रियम, मेंटेन्स थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, क्लियर। ये इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग को मेंटेन करके रखता है। अगर हम इस ल्यूटियल फेज के टाइम की बात करें, इसका ड्यूरेशन देखें, तो इट इज जनरली स्टार्ट्स फ्रॉम 15th डे एंड एंड्स ऑन 28th डे। सो सबसे ज्यादा ड्यूरेशन कौन सी फेज की है, ल्यूटियल फेज की है, 15th डे से लेके 28th डे तक। तो यहां पर एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि फीमेल्स के अंदर जो ओव्यूलेशन है, क्या है ओव्यूलेशन जो है, वो इस 14th डे से पहले भी हो सकता है और इस 14th डे के बाद भी हो सकता है। डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर ये डिपेंड करता है, जो टेंशन साइकेट्रिक कंडीशन पे भी डिपेंड करता है, इसके अलावा न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है और अदर फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर ये ओव्यूलेशन डिपेंड करता है। तो जनरली फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 28th डे की होती है, लेकिन कई बार ये 28 डेज से रिड्यूस होके कम डेज की भी हो जाती है, और कई बार ये 28 डेज से इंक्रीज होके और ज्यादा डेज की हो सकती है, लाइक 35 डेज, 36 डेज, 32 डेज। तो उन फेजेस के अंदर, उन साइकिल्स के अंदर कौन से चेंजेस आएंगे, कौन सी जो फेज है उनके अंदर मेनली चेंजेस आएंगे। तो सपोज करो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि फीमेल के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो 30 डेज की थी, ठीक है। तो इसके अंदर ल्यूटियल फेज कितने डेज का होगा और अदर फेजेस कितने डेज के होंगे, तो यहां पर याद रखना कि जो ल्यूटियल फेज है, जो यहां पर ल्यूटियल फेज है, उसका ड्यूरेशन इतना ही रहता है, कितना, 14 डे का, क्लियर। जो ल्यूटियल फेज है इसका ड्यूरेशन 14 डेज का होता है, ये ना तो बढ़ता है और ना ही कम होता है। जो चेंजेस आते हैं वो इस मेंस्ट्रुअल फेज से लेके ओव्यूलेटरी फेज तक आते हैं। तो इस केस में देखो कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल 30 डेज का था, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कितने डेज का था, 30 डेज का था। तो ओव्यूलेशन कौन से डे पे होगा, यहां पर 30 - 14 ऑन 16th डे। तो यहां पर फीमेल के अंदर जो ओव्यूलेशन हुआ वो 16th डे के ऊपर हुआ। ऐसे ही अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल 25 डेज का हो,
कितने का 25 डेज का हो, तो ओव्यूलेशन किस टाइम पे होगा? 25 माइनस 14 11th डे पे। कब होगा? 11th डे के ऊपर फीमेल में ओव्यूलेशन होगा। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकते हैं। तो याद क्या रखना है आपको कि ल्यूटियल फेज का टाइम ड्यूरेशन फिक्स रहता है, दैट इज 40 डेज। इसके अलावा एक और जो यहाँ पर क्वेश्चन जो मैंने इनिशियली बताया था कि इसको सिक्रेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये वोटरी म्यूकस है इनका सिक्रेशन बढ़ जाता है, इसी वजह से इसको सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन बढ़ गया, इस वोटरी म्यूकस का सिक्रेशन बढ़ गया, तो इन सभी सिक्रेशन के लेवल इंक्रीज होने की वजह से इस फेज को सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखो इसके बाद जो यहां पर कॉर्पस ल्यूटियम बना है, किससे बना है? ये रप्चरिंग ग्राफियन फोलिकल के बाद जो सेल्स बची उनसे क्या बना? कॉर्पस ल्यूटियम बना, और यहां पर ही सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर इस सेकेंडरी ओसाइट का स्पर्म के साथ फ्यूजन हो गया या फिर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो उस केस में क्या होगा? ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डिजेनरेट नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर कन्वर्ट इनटू कॉर्पस एल्बिकंस। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कॉर्पस एल्बिकंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे ये डिजेनरेट हुआ कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकन में, तो यहां पर प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज हुआ, तो यहां पर जो एंडोमेट्रियम है, यहां पर जो प्रेजेंट है, इसकी थिकनिंग को मेंटेन कौन कर रहा है? प्रोजेस्टेरोन कर रहा है। तो जैसे ही प्रोजेस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हुआ, तो इस एंडोमेट्रियम की थिकनिंग मेंटेन नहीं हो पाएगी और ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही ब्रेक होना स्टार्ट हुई, तो उसके बाद नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। और कौन सा फेज स्टार्ट होगा? मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट होगा, मतलब ब्लीडिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है यहां से। क्लियर? ओके। और ब्लीडिंग पीरियड के अंदर भी जो ब्लीडिंग होती है, मेंसेस जो होते हैं, वो 3 to 5 डेज के लिए होता है, और इस मेंस्ट्रुअल फेज का टाइम ड्यूरेशन 1 to 5 डे तक रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल इन ह्यूमन फीमेल। और इससे रिलेटेड आपको फर्दर कोई डाउट्स रहता है तो मुझसे सॉर्ट आउट कर लेना। ओके, थैंक यू।